आ जाओ भाई। ओए होए किधर हो? ओए बाबे तुनु होया के वे मार क्यों गए? ओ हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो शोर नहीं करो, वो खाओ, चलो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, आप लोग अंदर खा लो। ओए होए 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 सॉरी 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 सॉरी, सारा मैंने तुम्हारे पर फेंक दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम सॉरी बाबू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो भाई आते साथ ही मैंने इनको खाना डाला, क्योंकि इनका ना शोर बहुत ज़्यादा था, और आज ना आपके भाई को एक बेहतरीन सा गिफ्ट भी मिल गया। भाई जैसे ही भाई घर आया ना, तो मैंने बताया कि यार यहाँ पे आपका एक सब्सक्राइबर आया था और वो आपके लिए गिफ्ट छोड़ गया। क्या बात है। तो भाई आपको गिफ्ट बताते हैं, लेकिन सब्र करो थोड़ा सा, पहले मैं इनका खाना पीना सबका कर दूँ ना, तो फिर भाई आपको बताता है। चलो 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 चलो, ये भी इसी पानी में डाल देता हूँ। ओए तो पानी से बाहर गिर गया, आज क्या हो गया? मेरे सारे निशाने गलत क्यों हो रहे हैं भाई? चलो खाओ 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 खाओ, ये सभी सही भूखे हुए हैं, क्योंकि भाई आपका आज लेट हो गया है। दे रहा हूँ बच्चे, दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ सबको दे रहा हूँ, थोड़ा सा आराम आराम से। ये लो, अंदर जाने दो, जबर मत निकलो। ओहो सारे निशाने मेरे आज ख़राब जा रहे हैं। चलो खा लो खा लो खा लो, आ जाओ आप लोग भी, आओ 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 आओ, इधर भी खाओ उधर भी खाओ, खाओ और आराम से, बस शोर मत करो। बाकी जो खाते हैं मुझे खा जाओ, लेकिन शोर नहीं करना भाई। तुम लोग भी आ जाओ भाई। ओए होए ओए होए, नहीं 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 बच्चे नहीं, ये काम इधर नहीं, मेरे सामने नहीं, बेगरत आदमी, थोड़ी सी इसमें हया नहीं है, या मैं से खाना दे रहा हूँ लगा हुआ, बाकी तो होशियार हो ना, समझ रहे हो? हाँ पीछे हो जाओ 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 पीछे पीछे पीछे, जाया नहीं करना। चलो खाओ, रैबिट्स के लिए भी सब्जियाँ आ गई हैं, इनको भी दे देता हूँ यार, कि बस काम ख़त्म हो ना, तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई को गिफ्ट क्या मिला। गिफ्ट बड़ा प्यार आपको अच्छा लगेगा यार, सब्र करो। अच्छा दे रहा हूँ दे रहा हूँ, आराम से आराम से आराम से, ये लो। और तुम सब कैसे हो? खैर से भाइयों सब ठीक हो? माशाल्लाह माशाल्लाह सब ठीक लग रहे हैं, कोई परेशानी टेंशन वाली बात नहीं लग रही, अल्लाह का शुक्र है। तो अब जाते हैं अपने गिफ्ट की तरफ, भाई आपको बता देता है कि भाई को क्या गिफ्ट मिला है। तो ये देखें भाई, वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमें मिल गया एक पैरेट। वो इसमें तो बच्चे भी हैं भाई, ओए तो बच्चे भी है, बच्चा हिल रहा है, वो एक मरा हुआ है। ओए होए 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 यार, इसमें तो एक बच्चा है और जो इसका पापा है मेरे ख्याल से, हाँ मामा जिंदा है, जो पापा है वो मरा हुआ है और साथ में दूसरा बच्चा भी मरा हुआ है। ये देखिए मामा इसके बाहर निकल आई है, हटो ज़रा। और ये देखिए आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, इसमें एक बच्चा है वो मरा हुआ है और एक बच्चा जो है जिंदा है। तो ये अगर ने मुझे गिफ्ट तो दिया, लेकिन मुझे टेंशन दे दिए, चूतिया बनाया तुमको, इसके साथ करूँ तो मैं करूँ क्या? अभी इसको अगर मैं छोड़ता हूँ पिंजरे के अंदर निकाल के, तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि बच्चे का तो उसका ख्याल उसने रखना नहीं है। और भाई तेरे साथ मैं कौन सा अमल करूँ? ओहो तो टेंशन बन गई है यार। अभी ऐसा करता हूँ ना कि जो ये इसकी मटकी है, इस मटकी को निकालता हूँ बाहर, और जो इसमें से मरा हुआ है इसको निकाल के फेंक दूंगा, और फिर इसी मटकी के अंदर तोती को बंद करके ना, जो मेरा केज है अंदर ले, इसको लगा दूंगा मटकी को, तो फिर जब तोती इससे निकलेगी तो उसे अपनी मटकी भूलेगी नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, हो सकता है इससे ना कि अपनी मटकी एक्सेप्ट करे और उसको अपनी मटकी भूले ना। तो अभी मैं ऐसे करता हूँ कि इस मटकी को ना निकालता हूँ बाहर। यार दरवाज़ा मैंने खोल तो लिया है, लेकिन अभी ये ना हो कि ये उड़ के ना भाग जाए यार, ये अलग टेंशन हो जाएगी कि इसको कैसे निकालूं। अरे भागना नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं नहीं भागना नहीं, ना 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 भागना नहीं, इसको एक दफ़ा मोड़ लूँ ना मैं। नहीं 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 यार, तो टेंशन हो गई है यार, इसके साथ कौन सा काम करूँ मैं, अब क्या करूँ? हूँ भी अकेला आज, ना एजाज है ना उम्र है ना कोई भी नहीं है यार, क्या करूँ? पहले मैं ना इसको निकाल लेता हूँ, ये तुम साइड पे जो उतरो। ओए ओए दरवाज़ा खुल गया है, अब ना इस मटकी को मैं ना बाहर निकालता हूँ। हाँ सबर सबर, बाहर नहीं आना। ओए 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 खफा नहीं होना, आ गई आ गई आ गई आ गई, मटकी बाहर आ गई, ये चीज़ इसको ना फिलहाल इसको ऐसे। ओए ओए दरवाज़ा खुल गया, एक टेंशन तो नहीं है ना। अब इसमें क्या है, ये देखें, अच्छा इसमें है एक बच्चा, एक मरा हुआ है और साथ में इसका बाबा मेरे ख्याल से मरा हुआ है, एक बच्चा बीच में ज़िंदा है। इसको यार बचाने की पूरी कोशिश करेंगे,
मैं इसके बाबा को बाहर निकालता हूँ क्योंकि मामा इसकी ये घूम रही है और परेशान हो गई है। आ जाओ भाई। ओए होए किधर हो ओए बाबे, तुम्हें होया कि मार क्यों गए? ओ हो हाँ, देखें इसका बाबा मरा हुआ है ना, ये इसका बाबा है और मामा इसके अंदर है और अब इसमें बच्चे भी दो हैं और भी निकालूं कैसे। अरे हाँ जी, ये भी मरा हुआ है। A few moments later. यार मैंने नवीद भाई से पूछा है, नवीद भाई कहते हैं कि इसको पिंजरे में शिफ्ट मत करो, ये नहीं जाएगी अंदर, ये मर जाएगी और बच्चा भी इसका मर जाएगा, तो इसको इसके अंदर ही छोड़ो। तो आपका क्या ख्याल है, इसे अंदर ही छोड़ूं? इसी पिंजरे में जिधर इसके बच्चे दिए थे, हाँ उसी जगह में सेम उसी जगह में ये जो गुल्लक है इसका वो लगा के ना, हाँ तो फिर ये दाना देगी बच्चों को, अदरवाइज नहीं देगी। और उधर अगर डाल दिए तो फिर तो बच्चे मर जाएंगे और ये तो रह जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे। अच्छा तो बस भाई ऐसा करते हैं कि इस केज को ना मैं पूरा केज उठा के अंदर रख देता हूँ, अंदर बाकी भी तोतों को देखती रहेगी, बच्चों को भी पाल लेगी, खुश भी रहेगी, ये तरीका ठीक रहेगा। तो बस मैं मटकी को वापस डालता हूँ अंदर, एक मरा हुआ बच्चा मैंने ये निकाल लिया है और एक उसके बाबा जो साहब हैं दोनों मैंने निकाल लिए हैं, इनको जाके मैं दफना देता हूँ और इसको मैं अंदर रख के ना मैं पिंजरे के अंदर रख देता हूँ। चलो हटो हटो हटो, मैं अंदर मटकी अंदर रखता हूँ, खफा नहीं होना यार, तुम खफा नहीं होना, आ रही है। अच्छा अपने बच्चे के पास आ जाओ, कुछ नहीं कहता इसको, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मुबारक हो, ये इधर अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ अंदर, जाओ 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 अंदर, जाओ जाओ प्लीज़ जाओ 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 जाओ, हाँ चली जाओ चली जाओ, जा रही है जा रही है। अच्छा जा रही है जा रही है, बच्चा इसको आवाज़ें देगा ना अंदर जाएगी, जाओ ये गई 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 गई, काम अच्छा हो गया भाई। बस अब मैं इस केज को उठाता हूँ और ये पूरा केज ना मैं जाके इस बड़े केज के अंदर रख देता हूँ। ओके चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें मैं ले जाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या करूँ यार, ये अलग से खारी हो गई है, ये कौन कौन सी आवाज़ें निकाल रही है यार, ये तो कोई बड़े तोतों वाली पियों पियों करके आवाज़ें निकाल रही है, अजीब सी। क्या करूँ, अंदर रखूँ कि ना रखूँ, कौन सा अमल करूँ इसके साथ, रख देता हूँ अंदर, इनको थोड़ा आगे करना पड़ेगा, उड़ना नहीं भाई, तुम इधर हो जाओ ऐसे, और तुम ओए होए ऊपर उड़ ना जाए, दरवाज़ा मैंने सारा खोल दिया है। चलो भाई इधर, नहीं इसका मुंह मैं उल्टा कर देता हूँ, ऐसे ऐसे ठीक हो गया जी, ये बेस्ट हो गया। चलो भाई हाँ, अब तुम अपनी लाइफ इधर एंजॉय कर रहो। तो डक्स को हमने बंद कर दिया, इनका खाना पीना हो गया है, अब ना इस जगह पे ज़रा वाइपर लगाते हैं और फिर अपने पिजन्स को खोलते हैं, क्योंकि ये फिर निकलते हैं तो यहाँ पे नहाना शुरू कर देते हैं, तो ज़रा पहले मैं इनको यहाँ पे वाइपर लगा लूँ, फिर भैया तुम सबको खोलता हूँ। अच्छा A few inches later. जी भाई वाइपर लग गया है, अब खोलते हैं अपने पिजन्स को जिनको हमने उड़ाने हैं। तो भाई सबर सबर सबर, सारे नहीं बेटा सारे नहीं, नंबर नंबर से आओगे, नंबर नंबर से। तो भाई पिजन्स हमने वाले खोल लिए अपने, 9 दाने, अब इनको उड़ाते हैं। चलो भाई हाँ जी भाई, ये देखें उड़ने लगे सारे खैर खैरियत से, बस अभी थोड़ी देर उड़ लें तो भाई फिर इनको नीचे बुलाता है, खाना पीना के साथ करता है, इनको खाना बना देता है। और ये देखें जो ये बंदा है जिसने हमें दिया है गिफ्ट, और ये आगे कहता है कि मुझे मेरा पिंजरा वापस करो। अब बाप बताएं मैं इसका पिंजरा कैसे वापस करूँ, पिंजरा वापस करूँ तो तोती का बच्चा मर जाएगा। तो भाई थोड़े दिन सब्र करो, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर आके ले जाना, ठीक है? कोई मसला तो नहीं है ना, तुम्हारा पिंजरा किधर भी नहीं जाता। अच्छा मुझ पे बार रखो, मैं सब चोर मोर नहीं हूँ। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। बिल्कुल खोल लेते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ 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 आ जाओ। इसमें एक ब्राउन मनूस है, वो जाके ना अलग अलग जगहों पे बैठ जाता है और बाकी कबूतरों के साथ भी ना वो ये सारे ये पार्ट करता है, जब वो बैठता है फिर बाकी भी बैठने लगते हैं। तो वो मनूस वाला कौन सा है, ये किधर गया किधर गया, ये है ना ये वाला, ये सारा गंद ना इसने डाला हुआ है, मुझे इसको ना फारिग करना पड़ेगा, वरना इसकी वजह से ना मेरे बाकी सारे पिजन्स भी ना उनका भी सत्यानाश हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई, शीट हमने इनकी बिछा दी है, दस्तरखान इनका, आ जाओ भाई सारे आ जाओ खाना खाने आ जाओ, चलो चलो शुरू हो जाओ, आराम से आराम से आराम से, हैबत नहीं हैबत नहीं हैबत नहीं, प्यार मोहब्बत से खाओ, मियाना रवि से खाओ, और भाई का नारा अमन मोहब्बत भाईचारा,
और धूम मचा ले। अबे साले तो अंदर ही खाना खा लो, क्योंकि तुम लोगों मैंने बाहर छोड़ा तो तुम लोगों ने तबाहियां मचा देनी है। हाँ अंदर ही खाओ ये लो। ओए आराम से खोती के बचे, हमले ना कर। तो भाई पिजन्स को हमने बंद कर दिया है, अभी अंदर अंदर लड़ाइयाँ कर रहे हैं अंदर अभी, क्योंकि अभी इन्होंने खाना पीना किया ना तो थोड़ी मस्ती में आए हुए, थोड़ी देर लड़ाइयाँ करेंगे फिर आराम से ना ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। तो मैं अभी ना इनको खोल देता हूँ, खाना तो इन्होंने खा लिया कि वो पानी वानी पी लें, लेकिन मुझ पर अटैक नहीं करना मेरे भाई, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारा अंजाम फिर ये होगा। मस्त प्लान है। इनको मैंने आज अंदर ही खाना दे दिया है ताकि अंदर खाना खा लें, क्योंकि बाहर हमारे ये दोनों बदमाश खुले हुए हैं और अगर इनको मैंने अभी खोल दिया तो यहाँ पे हो जाएगा तसादुम, और अगर मैं इनका वेट करता रहा कि ये खाना खाएं और उसके बाद मैं इसको खोलूं तो फिर हो जाएगा भाई बहुत ज़्यादा लेट, ऑलरेडी सूरज ग़ुरूब हो चुका है, तो अगर मैं और वेट करूँगा ना तो फिर हो जाएगा अंधेरा। बात तो सही है यार, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि इनके साथ मैं क्या करूँ। देखें एक जो हमारा पैरट है वो आके पिंजरे के बाहर बैठ गया, जो उसकी मामा है, मामा तो अंदर है ना, और एक जो पैरट है ये बाहर बैठा हुआ है। तो आप लोग मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन बताएं कि मैंने ये ठीक किया है कि नहीं किया, क्या करूं, मैं इनको खोल दूं, मटकी में ऊपर बांध दूं, मुझे यार समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। तो अगर आप लोगों में से किसी का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का तो मुझे ज़रा बता दें क्या करूं, मटकी को मैं ऊपर लगाऊं ना लगाऊं, क्या करूं। इसको देखें अभी लड़ाइयाँ करने इधर चला गया है, इसका कोई हल नहीं है। चलो 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 बंद हो जाओ। तो ये वाले हो गए सारे बंद, इसमें डाकू हसीना और राखी भी बंद हो गया है, अब इनको खोलते हैं। खाना तो ये खा लिया इन्होंने, लेकिन इधर ना बाहर निकल के पानी वानी भी पी लें ताकि बस इनको फिर ना रात को प्यास ना लगी और फिर मुझे गालियाँ ना दें यार कि मुझे पानी नहीं पिलाया, हमें पानी नहीं पिलाया, मुझे गालियाँ बदवाएँ देंगे तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी ना। तो भाई आप लोग आ जाओ बाहर पानी पी लो, अच्छा मुझे गालियाँ बदवाएँ नहीं देना। ये तो होगा वो मोहतरमा, अंदर चली जाओ यार, जाओ अंदर जाओ, शबाश शबाश, जाओ अंदर बीबी के पास जाओ, चलो बीबी के पास जाओ, अंदर जाओ, शबा जाओ, जाना है जाना जाना, जाओ ना जाओ ना जाओ ना। यार ये तो अंदर जाने का नाम नहीं ले रही, और ये अगर अंदर नहीं गई तो इसका बेबी मर जाएगा यार। अब ना मुझे थोड़ी देर इसको देखना पड़ेगा कि अंदर घुस जाए यार किसी तरीके से। A few moments later. भाई सूरज ग़ुरूब हो चुका है और अंधेरा होने वाला है, पर जाते हैं नीचे और करते हैं वीडियो को एंड। जो मैं आज गिफ्ट मिला है अगर आप लोगों को वो अच्छा लगे या भाई की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जाओ भाई के चैनल को एक ज़ोरदार सा लाइक ठोक दो, बेल आइकन ठोक दो, और साथ में सब्सक्राइब के बटन को बिना एक मजबूत सनेगे से पंच कर दो। चलो अल्लाह हाफिज़।